ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है, यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है तो यह धन उसके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है, प्रारंभ में उनके पास कितना धन था। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीआर 99 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी, ए रेशियो बी हमें कितना दिया हुआ है, धन का अनुपात 2:1 है, जब ए बी को 2 रुपए दे देता है तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है, राइट। तो लेन देन वाला क्वेश्चन है, लेन देन वाले क्वेश्चन में हम योग को समान करते हैं, 2 और 1 कितना है 3, तो नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर ये कितना है 1 और 1 2, तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हम निकालेंगे, कह रहा है कि प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, तो दोनों का हमें बताना है, तो ए का धन हम निकालेंगे, ए बी को कितने रुपये दे रहा है, ऋषि महर्षि कहता है कि जो दिया है हमें दिया है 2 रुपये देता है, तो 4 से कितना हो गया 3, जब दे रहा है तो 4 से कितना हो गया 3, तो 1 का अंतर है, राइट। और पूछा किसका है, ए का प्रारंभ का कितना है 2×2=4, यानी कि कितना आ गया 1 का धन 8, राइट। ऐसे ही हम निकालेंगे बी का धन, तो रेशियो मेथड कहता है कि जो दिया है 2 रुपये, अब बी 2 से कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो अंतर कितने का है 1 का, राइट। तो बी का प्रारंभ में धन कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी कि ए का धन 8 और बी का धन 4, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।